आइए हम आँखों को बंद करके अपने स्वरूप में हम एकाग्र हो जाएं। स्वरूप जो सिर से पैर की अंगुली तक इस रूप में है, जिसे परंपरागत से हम मानव स्वरूप कहते हैं, जिसे परंपरागत से हम हाड़ मांस की शरीर कहते हैं, जिसे नश्वर कहते हैं, वास्तविकता कुछ और है कि सिर से पैर की उंगली तक यह अलौकिक रचना परब्रह्म के अंदर विद्यमान, जिसे हम अमृत तत्व कहते हैं, परम तत्व कहते हैं, वह है। परब्रह्म में जो कुछ है अमर तत्व, परब्रह्म के अंदर निहित संपूर्ण ज्ञान तत्व, संपूर्ण शक्ति, परम शांति, परम आनंद, वही प्रकट हो रहा है सिर से पैर की अंगुली तक इस रूप में। इसी विचार के साथ स्वरूप में एकाग्रता बढ़ें। और ये परम निधि है, ये सब कुछ यही है, इसलिए इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। एकाग्रता बढ़ाने का अभ्यास क्या है, हम अनुभव करें कि पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पीठ कहाँ है, पेट और सीना कहाँ है, गला चेहरा और सिर कहाँ है, ये सब हमें अनुभव करना है। इसके अंदर जितने तरह के परिवर्तन प्रकट हो रहे हैं, ये सब परिवर्तन कहाँ है अनुभव करें। Try to locate head to toes, feel head to toes changes within head to toes. Head to toes is presence of the best thing exist in omnipresent spirit. What is the best thing? Immortal consciousness, complete unit of knowledge and power, eternal peace and bliss, all exist in God, in omnipresent spirit. The same thing is projecting out, which we feel in the form of head to toes. Try to feel it more and more. Within head to toes, feel breath more and more. Within head to toes, feel changes. Each and every change, what we feel, is the same. Sir se pair ki anguli tak, jitne tarah ke parivartan prakat ho rahe hain, ye sab वही है, एक एक परिवर्तन वही है, वही है। इसका अभिप्राय क्या है? निराकार परब्रह्म में निहित परम तत्व, जिसे हम परम शांति, परम ज्ञान, परम आनंद, अमृत, वही अनुभव कर रहे हैं सिर से पैर की अंगुली तक। एकाग्रता बढ़ाएं इसमें। दाहिना पैर बायां पैर कहाँ है? दोनों हाथ, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, अब आंखें खोलें, ओपन आईज। आज के कक्षा में हम थोड़ी थोड़ी देर बताएंगे और फिर अभ्यास कराएंगे। आइए आज के कार्यक्रम में हम आपको ले चलते हैं कि जब पूरी जगत के बारे में जानेंगे, जैसे आपका खेत कहाँ है, कहाँ गेहूँ बोए हैं, कहाँ धान है, कहाँ सब्जी है, कहाँ पेड़ है, किस जगह पर जानवर रखे हैं, कहाँ गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, जब जानेंगे तभी तो ख्याल करेंगे।
तो अपने शरीर में जो हमारी बुद्धि है, मन है, इंद्रियाएं हैं, ये किन किन चीज़ों से प्रभावित होती हैं और जो प्रभावित करती हैं उससे हमें क्या पाठ लेना चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए, ये आपको जानना ज़रूरी है। जैसे जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है तो चंद्रमा अपने धुरी पर भी घूमती है, जैसे पृथ्वी घूमती है अपने धुरी पर, ऐसे चंद्रमा भी घूमती है। दोनों की दो स्पीड है ये। फिर चंद्रमा के घूमने से पृथ्वी पर, इसकी सतह पर परिवर्तन होते हैं, पेड़ पौधों में, समुद्र में, हर जगह पर ज्वार भाटा का आना, ये सब होता है, और अपने अंदर भी परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन हमें क्या संकेत करते हैं इसको जानना है। जब ये सब जानेंगे तभी आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। और जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा के समय पृथ्वी पर हलचल होती है। हलचल क्यों होती है? अगर पृथ्वी पर हलचल होती है तब के अंदर जो पृथ्वी तत्व है वहाँ भी हलचल होगी, पृथ्वी पर जो समुद्र है उसमें भी हलचल होती है, तब के अंदर के जल तत्व में भी हलचल होगी। ये सब चीज़ें जानना आवश्यक है। जब ये सब जानेंगे तब पूरे राष्ट्र की व्यवस्था बनाने में सहयोग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारा मानना है यहाँ प्रत्येक प्रदेश का अलग संविधान होना चाहिए, क्योंकि बिहार की जो जलवायु है, वहाँ का जो वातावरण है, उत्तर प्रदेश से अलग है, राजस्थान का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, गुजरात का अलग है, ऐसे अलग अलग प्रदेशों के, महाराष्ट्र के, साउथ इंडिया सबका, इसका अलग अलग वातावरण है। तो आप एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बना करके हर प्रदेश को सुखी नहीं कर सकते हैं। और हर प्रदेश स्वतंत्र होना चाहिए अपना प्रदेश चलाने के लिए। हाँ, सब प्रदेश मिलकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को इमरजेंसी फंड के लिए इतनी सुविधा देनी चाहिए, कहीं पर आपातकालीन स्थिति आ गई तो हमारा केंद्र सहयोग करे, बाकी को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री काम नहीं किए तो राष्ट्रपति शासन लगा दो, एक ठो गवर्नर बैठा दो, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये सब क्या है? एक तानाशाह प्रवृत्ति का विस्तार। जिले में एक डीएम बना दिए, सबके ऊपर डंडा करता रहे, जब ये कि सत्यम बोले तो आप फ़ोन अटेंड कर लिए, बाकी फ़ोन करते तो आप सुनिए ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाउ टू मेक इंडिया राइज, वी शुड हैव अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग वी शुड बी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। व्हाट इफ इट वी हैव ऑफ द मून, व्हेन मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, वी फाइंड चेंज इन द प्लांट्स, वी फाइंड चेंज इन द ओशन। इफ देयर इज चेंज इन द अर्थ, चेंज इन द प्लांट, एंड विद इन देयर इज अर्थ एंड प्लांट बोथ, देयर मस्ट बी चेंज इन साइड। हाउ टू अंडरस्टैंड इट, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वी शुड रिमेंबर इट। Therefore, this is very, very important things. We should understand it. Therefore, you should have the knowledge because you have to make nation great. आपको राष्ट्र को बनाना है तो जानना जरूरी है। According to the idea, each province is having different physiology of climate, different activity of the climate. Therefore, each nation should have independent constitution. And constitution should be like that all nations, all provinces of a nation should be connected together. There should be sufficient fund for the central government to help provinces in any emergency. Otherwise, should not interfere. Let province should work it. If there is some emergency, then taking advice from the center. For example, if there is a gas inside the stomach, we get headache. If there is some problem in our body within, we get problem in the brain spinal cord. If there is no problem, brain spinal cord will be free, should not be disturbed. In the same way, there should be external, otherwise you cannot make nation up. In this we need a knowledge. But tradition is that by reading book you get knowledge. No, you can't get knowledge.
by concentrating on head to toes. According to Kriya Yoga philosophy and principle, try to accept yourself, you will get knowledge. Source of knowledge is the things what you feel, what you read in the book, how it is written. We get idea from inside. Then we learn to paint that idea in the form of letters, words, sentences. That painting is incomplete. Therefore, we need experience, knowledge, so that our arms and body should work to create something. इस तरह से याद रखिए, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम लोग को जानना ज़रूरी है. बीच बीच में बताते रहेंगे हम, बीच बीच में ध्यान कराएंगे हम. वी विल ट्राई टू स्पीक इन बिटवीन, आई विल ट्राई टू गिव यू प्रैक्टिस. नाउ हैव दिस पॉइंट, अर्थ सन इज स्पिनिंग, मून इज स्पिनिंग, अर्थ इज स्पिनिंग. But moon is revolving around earth and earth is revolving around the sun. It means moon is revolving around earth as well as around sun. Then sun is revolving around nucleus. It means all, moon, earth, sun, all are revolving. And why they are revolving? If they will not revolve, this physical universe will not exist. Therefore, you want that head to toes should exist, then you have to revolve it. How to revolve it? The moment you realize, revolving means accepting the principle and philosophy, beginning and end both are the one. It means omnipresence. Revolution means circle represents omnipresence consciousness. Then you have to accept. You are not limited structure sitting here. You are omnipresence. Now, okay, all right, we know it. Then, but we are not able to feel it. Then learn education to feel it. Do experiment to feel it. How can we do experiment? I did experiment to put our sound waves on electromagnetic waves, our picture on electromagnetic waves. Then it becomes omnipresent. In the same way, to put your consciousness, your perception on the wave of infinite, then you will realize you are omnipresence. And how to do that? This is the practice of Kriya Yoga meditation. इस तरह से याद रखिए कि जब सब चीज़ें गोल गोल घूमती हैं, चंद्रमा अपने धुरी पर घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर भी, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है और सूरज के चारों तरफ, सूरज भी अपने धुरी पर घूमते हैं और विष्णु नाभि के चारों तरफ, ये सब जो गोल गोल घूमते हैं, तो इसको जानने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर गोल गोल न घूमे तो क्या होगा? अगर गोल गोल नहीं घूमेंगे तो अस्तित्व सूरज का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, दृश्य जगत का अस्तित्व, ये जो दिखता है, ये ख़त्म हो जाएगा. तो चलिए ठीक है, तो इसका मतलब अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो हम भी गोल गोल घूमें. तो गोल गोल कैसे घूमेंगे? ऐसे ऐसे नहीं. वो तो चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी हैं. हमारा गोल गोल घूमना अलग तरीके से होगा. जब चंद्रमा, पृथ्वी, सूरज इलिप्टिकल ऑर्बिट में या गोल आकृति में घूमते हैं तो सिद्ध होता है कि आदि और अंत एक है. जब आदि और अंत एक हो तो उसको सर्वव्यापी कहते हैं. तो हमें ये मान लेना है कि हम सर्वव्यापी हैं, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है. तो इसको अनुभव करना ही जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी हैं. अगर हमने अनुभव कर लिया कि हम भी सर्वव्यापी हैं, तो उसी को कहते हैं हमारे परमात्मा के बीच दूरी शून्य हो गई, यानी परमात्मा अनुभूति हो गई. उसी को कहते हैं सत्य से मिलन हुआ. तो हम सर्वव्यापी हैं, इसको मान करके अब सिद्ध करिए. सिद्ध कैसे करेंगे? बड़ा आसान है. क्रिया युग ध्यान करते जाइए और किसी से कोई शिकायत ना रहे. कितनी भी विपत्ति आए, हर विपत्ति आपको ऊपर की तरफ उठाएगी, परमात्मा की ओर ले जाएगी, ये स्वीकार करिए. कोई कितना भी विरोध करे, उससे अंदर में
उससे के प्रति आप इनिमिकल दुर्भावना का व्यवहार न रखिए. देन फील हैड टू टू इट इज एन ऑमनी प्रेजेंस बट आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस हाउ टू एक्सपीरियंस वेरी इजी. प्रैक्टिस किया गया मेडिटेशन सर्व टू ऑल, सर्व टू ऑल विदाउट एनी रिटर्न. रिटर्न विल कम ऑटोमेटिकली. सेकेंड थिंग, इफ समबडी इज अपोजिंग यू लेट देम अपोज, यू कीप ऑन वर्किंग. देयर अपोजिशन फोर्स विल नॉट वर्क. यू विल मेक देयर अपोजिशन फोर्स टू वर्क इफ यू क्रिटिसाइज देम. इफ यू नॉट क्रिटिसाइजिंग देम देन यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट देम. नो, नो अप्रिसिएशन, नो क्रिटिसिजम, जस्ट ऑब्जर्व, फॉलो योर पाथ, प्रैक्टिस किया गया मेडिटेशन एंड मूव अहेड. देन यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट यू आर ऑमनीप्रेजेंस. यू आर गेटिंग इंट्रैक्टेड दैट पर्सन इज बैड क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. ही इज गुड, ही इज वेरी गुड, ही इज बैड, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस. देन यू कैन नॉट प्रैक्टिस दिस साइंस इन विच यू विल रियलाइज यू आर ऑमनीप्रेजेंस. अगर हम सबको अनुभव करना है कि हम सर्वव्यापी अस्तित्व हैं, तो आपको इस नियम में आना पड़ेगा. कौन सा नियम? कि हम सर्वव्यापी हैं मान लीजिए, और हम क्रियायोग ध्यान करते हुए सेवा कार्य करते जाएं, और सेवा कार्य करते हुए कोई रिटर्न ना चाहें. जिसकी सेवा करें उससे कुछ अपेक्षा ना करें. कोई विरोध करे तो उसको विरोध करने दीजिए, हम विरोध नहीं करेंगे. कोई प्रशंसा करे तो आकर्षित मत होइए. कोई निंदा करे तो उसे दुखित मत होइए. हमारा काम क्रिया योग ध्यान करके जो शक्ति ज्ञान शांति बढ़े उससे सेवा करते जाइए, और अपने सेवा कार्य को हम प्रभावित न होने दें बाहर के क्रियाकलाप से. अगर आपने ये ठान लिया तो दो चीज़ होगी, आपकी सुख और शांति बढ़ती जाएगी, और ऐसे ऐसे कार्य होंगे कि भारत देश की सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी. Now let us think like this. Okay, I'm practicing Kriya Yoga, but my body is opposing it. Body say, please, I don't like this, don't practice it. Okay, all right. Then try to change the practice style. Body telling, please don't sit like this. Why? I'm having pain here. Okay, all right. Then I'm changing it. Don't problem. Okay, all right. Body is opposing itself, then how to practice? Okay, no problem. Keep on extending one leg, then practice. After some time, telling, oh, please don't do like this. Okay, sit like this, practice. Sit in the chair, practice. Try to practice in order to have one aim, to experience more and more joyful comfort. What is joyful comfort? Whatever changes you feel within, that changes if it's giving you knowledge, giving you power, giving you joy, then that is called the joyful comfort. If comfort is there, I'm not getting more knowledge, okay, I'm getting knowledge. That person is bad, I came to know. Not this knowledge. Knowledge which brings unity. Knowledge which brings realization how to remove ignorance. How to transform ignorance into all-pervading wisdom. This is called joyful comfort. Try to keep your body in this style so that you must feel joyful comfort. अच्छी तरह से याद रखिए कि जब हम ये अनुभव करने के लिए तैयार हो गए हैं कि हम सर्वव्यापी हैं, इसकी अनुभूति करेंगे. परमात्मा सर्वव्यापी हैं, हमारे परमात्मा के बीच दूरी शून्य है, तो हम भी सर्वव्यापी हैं. इसकी अनुभूति हम कैसे करेंगे? इसकी अनुभूति करिए, क्रिया योग ध्यान करते जाइए. और सबसे बड़ा विरोध जो अपने शरीर का ही होता है कि आप बैठ नहीं पा रहे हैं, पैरों में कुछ होने लगा, तो पैर को फैला लीजिए, पैर को मोड़ लीजिए, कुर्सी पर बैठ जाइए. लेकिन जब हम अभ्यास करें तो उसका एक लक्षण याद रखिए कि अभ्यास में हमें जॉयफुल कंफर्ट मिले. जॉयफुल कंफर्ट क्या है? कि जो परिवर्तन प्रकट होता है अभ्यास करने में, उससे जुड़ने पर
ऐसा ज्ञान मिले जो शांति दे, ऐसा ज्ञान मिले जो इम्यूनिटी बढ़ाए, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा जो ज्ञान मिले इम्यूनिटी बढ़ाए। देखिए किसी को 102, 103, 104 टेम्परेचर होता है तो कोई दो घंटे में ठीक नहीं कर सकता है, ये तो मानते होंगे। हमारे यहाँ लोग 102, 104 टेम्परेचर होता दो दिन में ठीक कर लेते हैं। और टेम्परेचर होता क्यों है, क्या बीमारी है? नहीं, जब शरीर बदलने लगती है, कभी गर्म होती है, कभी ठंडी होती है, कभी हल्की होती है, कभी भारी होती है। अभी कल किसी टेम्परेचर हुआ था, पता नहीं कहाँ है वो, यहाँ जो शक्ति माता आती नहीं, उनको कल 103 डिग्री टेम्परेचर था, रात्रि में 12 बजे हुआ, सुबह 98 नॉर्मल बिना दवा के। क्योंकि ये सिद्ध हो गया है कि जो बुखार होता है, जो दर्द होता है, हमारे उत्थान के लिए हो रहा है। तो जब उस दर्द को, उस बुखार को हम घृणा नहीं कर रहे हैं तो उसको कहते हैं जॉयफुल कम्फर्ट, क्योंकि उसमें ज्ञान हुआ हमें कि होने पर ये हुआ। इससे शरीर में जितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, पता चला कि अब पीठ में जकड़न हो गई, लेकिन जकड़न होने पर ज्ञान ये हुआ, पता चल गया कि ये सूरज कैसे घूम रहा है, ये पता चला, हम कैलकुलेट भी कर लिए, तो पीठ की जकड़न ए जॉयफुल कम्फर्ट है। ये सपोज दैट यू हैव टाइटनेस इन द बैक, इफ दैट टाइटनेस इज सो इंटेंस दैट जनरली यू फील इट्स ए डिसकम्फर्ट, बट नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इफ टाइटनेस ऑफ बैक ब्रिंग रियलाइजेशन ऑफ दिस ट्रूथ दैट आई एम एबल टू एक्सपीरियंस हाउ सन इज रिवॉल्विंग, इट टेक्स 24,000 ईयर्स, हाउ आई एबल टू मेजर दिस रेवोल्यूशन ऑफ दिस सन अराउंड ग्रेट ग्रैंड सेंटर, देन दैट टाइटनेस इज कॉल्ड जॉयफुल कम्फर्ट। इफ यू गेट ए पेन, इन दैट पेन यू आर रिजुनेटिंग योर लंग्स, योर लंग्स आर ईच एंड एवरी सेल रिजुनेटेड एंड यू हैव एक्सपीरियंसड इट, दिस इज प्रोसेस ऑफ रिजुनेशन, बट यू हैव ट्रेमेंडस समथिंग विच वी कॉल पेन, दैट पेन इज कॉल जॉयफुल कम्फर्ट। अगर आपको कोई दर्द हुआ जिसमें फेफड़े के हर चैम्बर नए हो रहे हैं, तो उसको कहेंगे कि हमें आनंद पूर्वक अनुभूति हो रही है, ये अनुभूति में आनंद आ रहा है, ये जॉयफुल कम्फर्ट आ रहा है। इस तरह से समझना पड़ेगा। और राष्ट्र निर्माण के लिए सिर से पैर की उंगली तक इस राष्ट्र के बारे में जानना होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक नेशन राइज देन यू हैव टू नो द नेशन विच इज हैड टू टूज इन दिस फॉर्म, विदाउट नोइंग दिस एज ए नेशन विद इन दिस यू हैव टू फाइंड आउट सिटीजन्स, यू कैन नॉट मेक नेशन राइज। जिसे हम राष्ट्र कहते हैं, कल्पना के लिए भारत राष्ट्र कह लीजिए, इसके कष्टों को दूर करना है तो सिर से पैर की उंगली तक ये भी राष्ट्र है। जब तक इस राष्ट्र के संकट को दूर करने का आप विधान नहीं जानेंगे, बाहर के राष्ट्र का संकट नहीं दूर कर पाएंगे, अंत में हताश हो जाएंगे, हमारे बस का नहीं है। तो अब हताश नहीं होना है, ये कर देना है। सपोज दैट यू आर नॉट एबल टू नो अंडरस्टैंड अबाउट दिस नेशन, देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड नेशन एक्सटर्नली, देन व्हाट विल हैपन एट देन, यू विल से ओ इट इज वेरी टफ, इट इज नॉट फॉर मी, आई कॉन्ट डू दिस, लेट सम इनकार्नेशन शुड कम, बट नाउ यू हैव नॉट टू डू दिस, यू हैव टू मेक नेशन राइज। Do not have this kind of concept, no it is not for me, no it is for you, you can do it, let us try to do it, how to do it, let us practice again 5 minutes, kriya meditation, then again I am going to explain, I am no fir se hum 5 minute abhyas karte hain kriya yog dhyan ka, fir hum aapko is vishay par le chalte hain, kyunki desh theek karna bhai, agar yahan rehna hai, अगर हमको ठीक नहीं करना है तो हम तो बस जाएंगे अमेरिका, कनाडा, यहाँ क्या करेंगे हम धूल धक्कड़ में, देश की परेशानी, न शुद्ध खाना न शुद्ध पानी,
लोगों से दिन रात समस्याएं, तो यहाँ क्यों रहेंगे हम? लेकिन इस क्रिया का आश्रम की वजह से, आपके सत्संग की वजह से, आपकी उपस्थिति की वजह से यह राष्ट्र निश्चित रूप से जागृत होगा। ये ट्राई टू फील हेड टू टोज, प्रेजेंस ऑफ हेड टू टोज, चेंजेस विद इन हेड टू टोज, व्हाट एवर वी फील, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। दिस इज द ग्लोरी ऑफ नेशन विच इज नियरेस्ट ऑफ नियर। Just you see, this is the mountain, this is the forest, this is the ocean, this is the lake, this is the pond, this is the river. What are these things? This is the glory of the nation. Exactly in the same way. And right leg is happening something, left leg something else, back, abdomen, chest, neck, face, head. Within this, you are experiencing many, many kind of varieties of changes. Then what are this glory of this nation head to toes? Try to appreciate this glory, then you will realize we are fully capable to make this nation great. अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो सुनिश्चित हो जाएगा कि हम इस राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सुयोग्य हैं, इसीलिए इस देश में जन्म लिए हैं। आइए हम लोग कुछ मिनट क्रिया योग ध्यान करते हैं। आँखें हम बंद कर लें। Let us close our eyes. सिर, चेहरा, गला अनुभव करें। फील हेड, फेस, नेक मोर एंड मोर। दाहिना हाथ, बायां हाथ अनुभव करें। राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, फील इट। दाहिनी पीठ, बाईं पीठ अनुभव करें। बैक, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फील इट। सीना और पेट अनुभव करें। फील चेस्ट एंड एब्डोमेन। दाहिना पैर, बायां पैर अनुभव करें। राइट लेग, लेफ्ट लेग, फील इट। अब दोनों हाथों को हम बगल में फैलाएं। स्प्रेड आर्म्स इन लैटरल पोजीशन। मुट्ठी बंद करें, खोलें। क्रंच फिस्ट ओपन पाम अल्टरनेटली। या हाथों को ऊपर नीचे करें। मूव आर्म्स अप एंड डाउन। हाथों को मोड़ें और फैलाएं। फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स। ये सब कुछ करते हुए हम जो अनुभव कर रहे हैं, ये महिमा है, ग्लोरी है, सिर से पैर की उंगली तक ये अनुपम राष्ट्र है। इसके अंदर जो अनुभूति कर रहे हैं, इसका सौंदर्य है ये, इसकी खूबसूरती है ये। When we are raising arms up, clenching fist, opening palm, folding arms, opening arms, and whatever we realize within head to toes, is called glory of this nation. Riches of this nation, beauty of this nation. Feel head to toes more and more, all changes more and more. अब दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें। Place both palm on the posterior surface of it. श्वास अनुभव करें। Feel presence of breath. श्वास अनुभव करते हुए सिर और रीढ़ के स्थान का निरीक्षण करें। ऑब्जर्व ब्रेथ, लोकेट हेड एंड स्पाइन। दाहिना पैर सामने की तरफ फैलाएं। एक्सटेंड राइट लेग इन फ्रंट। दाहिना पैर सामने की तरफ फैलाते हुए अनुभव करें। ट्राई टू फील राइट लेग मोर एंड मोर, राइट लेग इन एक्सटेंडेड पोजीशन। इस समय जो अनुभव कर रहे हैं, यह अनुभूति
सिर से पैर की उंगली तक इस अलौकिक राष्ट्र का ये अमूल्य धन है। इन दिस पोजिशन वट एवर वी फील प्रेजेंस ऑफ हेड टू टो चेंजेस विद इन इज ग्लोरी ऑफ दिस नेशन विच इज प्रेजेंट इन दिस फॉर्म हेड टू टो। फिर दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं, एक्सटेंड बोथ लेग्स इन फ्रंट, दोनों पैर सामने की तरफ फैला हुआ, बोथ लेग्स आर एक्सटेंडेड इन द फ्रंट, पैर की अंगुलियों को हिलाएं डुलाएं, टर्न टोज अप द फीट फॉरवर्ड बैकवर्ड, पैर के पंजों को हम आगे पीछे करें, ट्राई टू टर्न बोथ फीट फॉरवर्ड बैकवर्ड। इस तरह से पैर की उंगली से सिर तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं और जो अनुभूति कर रहे हैं ये इस राष्ट्र की ये अनुपम धरोहर है, इस राष्ट्र का ये सौंदर्य है, ये अमूल्य धन है। ये फील हेड टू टो, मूव टोज फॉरवर्ड बैकवर्ड, बोथ फीट फॉरवर्ड बैकवर्ड, presence of head to toes changes within we feel is called glory of this nation. A head to toes, feel it more and more. अब पैर ढीला कर दें, relax both legs, हाथ ऊपर उठाएं, raise arms up, पैरों को सामान्य रूप में कर लें, sit in regular position, हाथ को नीचे लाएं, bring arms down, सिर और पीठ पर विशेष एकाग्रता, feel head and back more and more, more attention, more awareness, concentration on head and back, सिर और पीठ पर और एकाग्र हो जाएं, दाहिनी पीठ बाई पीठ अनुभव करें, बैक राइट साइड लेफ्ट साइड फील इट। अब दोनों हथेली को सिर के पीछे फिर से रखें, अगेन प्लेस बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड, अगेन फील हेड एंड स्पाइन, सिर और रीढ़ में एकाग्र हो जाएं, सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में जो अनुभूति हो रही है इसकी महिमा अनंत और असीम है। सिर से पैर की उंगली तक ये अलौकिक अनुपम राष्ट्र है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। हेड टू टोज वी फील इज यूनिक नेशन, विद इन दिस द होल कॉस्मास एग्जिस्ट। Try to curve head and spine towards right, towards left, slowly. धीरे धीरे हम सिर और रीढ़ को दाहिनी तरफ और बाईं तरफ झुकाएं, ऐसा झुकाते हुए सिर आगे न झुकाएं। When we are curving head and spine, never bend head forward. Try to have full awareness, head and spine will remain in one straight line. सिर और रीढ़ को एक सीधी रेखा में रखेंगे, दाने तरफ बाई तरफ धीरे धीरे झुकाएं। नेवर हैव दिस कॉन्सेप्ट दैट बेंडिंग मोर इज इफेक्टिव, हैव द कॉन्सेप्ट फीलिंग हेड एंड स्पाइन इज मोर इफेक्टिव। इस तरह से झुकाएं कि जो परिवर्तन प्रकट हो अच्छे लगे। ट्राई टू कर्व टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट टू हैव मोर कंफर्टेबल चेंजेस अलोंग द हेड एंड स्पाइन। फिर हाथ ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, हाथ को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन, सिर से पैर की उंगली तक यह एक राष्ट्र है। इस राष्ट्र को व्यवस्थित करना सीख लें तभी हम बाहर के राष्ट्र को व्यवस्थित कर पाएंगे।
Herodotus is a unique nation. Try to rearrange, reorganize this nation to experience heaven within. Then we are able to transform, which is called the nation, external nation, continents like Asia, Europe, America, and so many other things. फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें. Again place both palm on the posterior surface of head. Observe breath. श्वास में एकाग्र हों. सिर और रीढ़ को धीरे धीरे हम पीछे की तरफ झुकाएं, फिर हम धीरे धीरे आगे की तरफ झुकाएं. Curve head and spine slowly backward. Then curve slowly forward. सिर और रीढ़ को धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकाएं, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ झुकाएं. इस तरह से झुकाएं कि झुकाने की क्रियाएं अच्छी लगे. When you are bending backward forward, try to give equal timing in backward forward bending. Never have more timing for forward or more timing for backward. जब पीछे की तरफ आगे की तरफ झुका रही हूँ तो बराबर समय दें. जितनी देर तक पीछे की तरफ झुकाने में समय दें उतनी ही देर तक आगे की तरफ. सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाएं, फिर हाथ को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट ओपन पाम अल्टरनेटली, हाथ को नीचे कर लें, ब्रिंग आर्म्स डाउन. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता सुनना. अगर हम ध्यान से सुनना नहीं जानते हैं तो कोई काम ठीक से कर नहीं पाएंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हैविंग पावर ऑफ लिसनिंग, हियरिंग. इफ यू आर नॉट एबल टू हियर एंड लिसन प्रॉपरली, इट विल वेरी डिफिकल्ट टू फंक्शन प्रॉपरली. वी आर नॉट एबल टू लिसन बिकॉज व्हेन वी हैव इनसिक्योरिटी इन द लाइफ, माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड. अगर हमें असुरक्षा की भावना है कि भविष्य क्या होगा, वर्तमान ठीक नहीं, अतीत में सब गलतियां किए हैं, तो सुन नहीं पाएंगे. सुनने की क्रिया अधूरी होगी क्योंकि सुनते समय कभी अतीत याद आएगा, कभी भविष्य से डर लगेगा क्या होगा, और वर्तमान अशांति दिखाई पड़ेगा, तो सुन सकते ही नहीं. If you are having the memory of the past and past was not good and future is dark, then present will be restless. In this condition, without any doubt, we do not have power of proper hearing and listening. Therefore, try to accept this. You are fully secured because head to toes is creation. It is one with the Creator. Creator, omnipresent God, is one with this head to toes. अच्छी तरह से याद रखें कि सिर से पैर की अंगुली तक ये जो रचना है, रचनाकार से एकदम मिली हुई है प्रभु की, और इसके बीच में दूरी वैसे ही शून्य है जैसे आग और आग में गर्मी. इस बात को अच्छी तरह से मान लेंगे तो मान करके करना क्या होगा. अगर हम प्रभु के साथ हैं तो सुनने की क्रिया ठीक ठीक अपने आप हो जाएगी. तो प्रभु के साथ कैसे होंगे हम. सिर से पैर की उंगली तक की रचना अगर रचनाकार के साथ है, प्रभु के साथ है, तो सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति को हम प्रभु की अनुभूति जब स्वीकार कर लेंगे, इसकी अनुभूति में और एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे तब सुनने की क्रिया होगी. नहीं तो सुन नहीं पाएंगे. जो सुनेंगे अधूरा होगा और गलतियां होंगी. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन. इफ वी हैव पास्ट मेमोरीज
memories of the past, and past was not peaceful. If you do not know the future, future is dark. Then present will be restless. In this condition, try your level best. You cannot hear, you cannot listen. Listening and hearing will be incomplete. If you are not having art of hearing and listening, then we cannot process anything. The first ability we have to develop, to hear, to listen perfectly. Then how to do this? Then we have to accept principle and philosophy of Kriya Yoga, that head to toe, this is one with God. If it is one with God, head to toe is creation. Creation is one with the Creator. If it is one with the Creator, then try to have conscious presence of Creator. Because Creator is having all protecting power. In Creator you will find all power, knowledge, everything what we are seeking. Then how to have conscious practice of oneness with the Creator? If head to toes is one with the Creator, then try to feel it. When you experience its presence, accept it is presence of God. If you have presence of God, then have greatest joy, what you need. Moment you have this principle philosophy, then we will have perfect hearing and listening. First you have to develop how to hear, how to listen in perfection. Then we can function, otherwise we will do a lot of mistake. Yaad rakhiye, koi galti na ho. Jab galti hum khud hi karenge, to hum rashtra ko sachche marg par le kaise jayenge? Aur galti hoti hai galat sunne mein. Aapne jo kaha, humne galat suna. Aapne jo kaha, अधूरा कहा. जो मैंने समझा वो गलत समझा, जो सुना गलत सुना, यही तो दिक्कत है. तो जीवन सुरक्षित है इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं. सिर से पैर के अंगुली तक एक एक जगह ये परब्रह्म के साथ वैसे ही एक है, जैसे आग के साथ गर्मी, सूरज के साथ सूरज का प्रकाश. ऐसे आपका जो अस्तित्व है ये परब्रह्म के साथ एक है, याद रखिएगा. जब एक है इसको समझ रहे हैं, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं. आराम से हम अभ्यास करें, इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं. अनुभव कर लीजिए कि हम प्रभु के साथ हैं, और यही अनुभूति ही प्रभु की अनुभूति है. जब इस भाव में, विचार में, धारणा में स्थिर हो जाएंगे, तो सुनने की क्रिया बहुत अच्छी होगी. नहीं तो दिक्कत होगी, सुन नहीं पाएंगे. तो सुनेंगे नहीं तो गलतियाँ होगी. ये है. अब आइए हम लोग खड़े होकर के अंगड़ाई ले लें. एक मिनट के लिए अंगड़ाई ले लें. स्टैंडिंग रिचार्जिंग नंबर एक कर लें, फिर नंबर 11 कर लें, फिर नंबर 23 कर लें. Please stand and practice chant number 1 and 11 and 23. Practice it few times, then I am going to explain further.